अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एग्जामल। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ईच एंड एवरी डिटेल पढ़नी है एग्जामल के रिलेटेड। सबसे पहले एग्जामल क्या होती है, देन उसके लिए हम जो बाइनरी वर्सेस टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है कि एग्जामल बाइनरी है या टेक्स्ट लैंग्वेज है, देन उसके बाद देखा जाएगा HTML क्या होती है, XML क्या होती है। इससे पहले लेक्चर में आपने HTML का सारा ट्यूटोरियल पढ़ा है। तो HTML में क्या था हमारे पास, उसका हमने कोड भी करके देखा था। तो XML क्या थी, HTML क्या था, XML क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। फिर XML के कुछ रूल्स पढ़ेंगे उसकी कोडिंग करने के लिए। और फिर लेसन 5 होगा हमारे पास कि XML फाइल्स क्या होती हैं, वो एक्चुअली ट्रीज होती हैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल की ईच एंड एवरी डिटेल को स्टडी आउट करना है। सबसे पहले है व्हाट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, इसका स्टैंड फॉर क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि चीजों को एक्सटेंड कर देना, मतलब ये एक लिमिटाइज नहीं करती चीजों को एक्सपेंड करती है। मतलब चीजों को खोल के बताती है कि आप सिर्फ कुछ टैग्स को यूज करके सिर्फ उसके ऊपर नहीं बेस कर सकते, आप खुद से भी टैग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। अ मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट। ये मार्कअप लैंग्वेज हम लोगों को एक्चुअली इंफॉर्मेशन बता रही होती है किसी भी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। टैग्स आर एडेड टू द डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड दी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसमें भी हम लोग HTML की तरह टैग्स ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, टैग्स हमने खुद बनाने होंगे। HTML में क्या होता था, हमारे पास टैग्स क्या होते थे, फिक्स्ड होते थे, कि स्पेसिफिक बताया होता था कि कौन सा टैग किस चीज के लिए यूज किया जाता है। HTML टैग्स टेल अ ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले दी डॉक्यूमेंट। HTML के अंदर क्या था कि एक्चुअली हमारे पास वो बताता था कि ब्राउजर ने चीजों को शो किस तरह कराना है। ब्राउजर क्या है, कोई भी आपका जो गूगल हो गया, आपका जो ओपरा हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो उसने एक्चुअली डिस्प्ले किस तरह कराना है डॉक्यूमेंट को, ये कौन बताता था, HTML के टैग्स बताते थे। लेकिन XML टैग्स गिव अ रीडर सम आइडिया व्हाट सम ऑफ द डेटा मींस। लेकिन XML के जो टैग्स हैं वो हमने खुद डिफाइन करने हैं, तो उसको पढ़ के हम लोगों को पता लग जाता है कि एक्चुअली ये डेटा किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नेम मेंशन करना है, तो उसको आप नेम का टैग बनाओगे, एक उसका एक स्टार टैग बनाओगे, उसका एक एंड टैग बनाओगे, और उसके अंदर उसके मिड में आप अपना जो नेम है वो डिस्प्ले करा दोगे। तो उसके टैग्स क्या डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअली आपका जो जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, नेम से रिलेटेड है। इसी तरह एड्रेस से रिलेटेड हो सकता है, इसी तरह फोन नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो HTML और XML में थोड़ा सा क्या डिफरेंस हुआ कि एक्चुअली वो ब्राउजर को बताता है कि चीजों को डिस्प्ले किस तरह कराना है, लेकिन XML बताता है कि एक्चुअली जो आपका आइडिया है उसको अंडरस्टैंड किस तरह करना है रीडर ने। व्हाट इज XML यूज फॉर। XML को बेसिकली यूज किस चीज के लिए किया जाता है, टू ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर ओवर द इंटरनेट। एक जगह से डाटे को ट्रांसफर करना है दूसरी जगह पर इंटरनेट को यूज करते हुए, तो XML को यूज किया जाता है। XML सबसेट्स आर डिजाइन फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। XML को हम लोग कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसमें से एक एप्लीकेशन है RSS, रिच साइट समरी एंड रियली सिंपल सिंडिकेशंस। तो ये साइट यूज की जाती है ब्रेकिंग न्यूज को सेंड करने के लिए एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की। तो अब क्या मतलब था XML का, कि डेटे को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो RSS क्या करता है कि ये भी ब्रेकिंग न्यूज को बुलेटिन को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर सेंड करता है। अ नंबर ऑफ फील्ड हैव देयर ओन सबसेट्स, दीज इंक्लूड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बुक पब्लिशिंग। मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, जो कि केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, कुछ बुक्स पब्लिशिंग की चीज़ें हो गई। तो मोस्ट ऑफ द सबसेट्स आर रजिस्टर्ड विद द W3 कंसोर्टियम एंड आर अवेलेबल फॉर एनी वन यूज। अब ये सारी की सारी फील्ड, ये सारे के सारे सबसेट्स किसके ऊपर रजिस्टर होंगे, W3 सबसेट्स
सी के ऊपर, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, तो फिर जाके ये हर एक को अवेलेबल होंगे। डब्ल्यू थ्री सी क्या था कि हमने जो अपना जितना भी कंटेंट है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वो किसके थ्रू जो है डिफाइन किया हुआ है, डब्ल्यू थ्री कंसोर्टियम के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। डब्ल्यू थ्री मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेब के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है सारे के सारे डाटे को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चल रही। तो जो भी चीजें हमने जनरल पब्लिक को शो करवानी है तो हमने पहले वो रजिस्टर करवानी है डब्ल्यू थ्री कंसोर्टियम के ऊपर, तो देन हमारी वो जो चीजें हैं वो कोई भी बंदा उसको यूज कर सकता है, वो उसके लिए अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट हमने देखना है बाइनरी वर्सेस टेक्स्ट। इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि आया जो एग्जामल है वो बाइनरी लैंग्वेज है या टेक्स्ट लैंग्वेज है, जो एचटीएमएल है वो बाइनरी है या टेक्स्ट है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, कि जो भी बाइनरी के अंदर कोड लिखा जाएगा वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। बाइनरी क्या है कि 0-1 की फॉर्म, मतलब जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, कि वो उसी मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है जिसके ऊपर उसको बनाया गया होता है, वो रन भी उसी के लिए होती है जिसके ऊपर उसको बनाया गया होता है। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रही होती है जिसके ऊपर इसको एक्चुअली बनाया गया होता है। सेकेंड पे आता है हमारे पास फेयरवॉल्स। फेयरवॉल्स क्या होती हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स डेट मोनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, कि जो भी हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए बनानी होती हैं कि कौन सी कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक इस वेबसाइट से जा रही है, तो वो उसको कंट्रोल करना, उसको सिक्योर करना बड़ा मुश्किल होता है बाइनरी के अंदर, मतलब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। थर्ड वन इज दी हार्ड टू डीबग। डीबग का मतलब होता है कि एरर को फाइंड आउट करना, एरर को तलाश करना। तो इसके अंदर अगर कोई गलती आ जाती है या कोई एरर आ जाता है कोड के अंदर, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो उस एरर को फाइंड करके उसको रिमूव करना। फोर्थ वन इज द इंस्पेक्टिंग द फाइल कैन बी हार्ड। एक फाइल को चेंज करना, उसके अंदर कोई ना कोई अपडेशन करना, कोई मॉडिफिकेशन करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आप देखें कि 0-1 की फॉर्म में एक चीज़ लिखी हुई है, तो आपको बहुत मुश्किल उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आया मैं कितने जीरो लगाए हैं, कितने वन आने हैं। दो ही चीज़ें, जीरो है या वन, तो इसको फाइंड, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये प्रॉब्लम किसके साथ आती है, बाइनरी फॉर्मेट के साथ। सिंस एग्जामल इज अ टेक्स्ट बेस्ड इट डज नॉट हैव द प्रॉब्लम्स मेंशनड अबव। एग्जामल क्या है हमारे पास, ये टेक्स्ट बेस्ड होती है, इसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस आउट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एग्जामल। एग्जामल का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले ये टेक्स्ट बेस्ड है, हम लोगों को उन सारे जो प्रॉब्लम्स उनको फेस आउट नहीं करना पड़ता जो हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं। टेक अप लेस स्पेस, ये लेस स्पेस लेते हैं। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं अली नाम लिखती हूँ तो ये स्पेस थोड़ी लेगा, एज कम्पेयर टू इसको बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो ये स्पेस ज़्यादा लेगा। तो टेक्स्ट में क्या होता है, स्पेस कम ली जाती है, बाइनरी के अंदर स्पेस ज़्यादा ली जाती है। कैन बी ट्रांसमिटेड एफिशेंटली, इसको ईजिली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए हम लोग को रिक्वायर नहीं कर रहे होते कि हम लोग पहले कन्वर्ट करें या कोई भी और चीज़ करें, हम लोग इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वन एग्जामल डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, एक एग्जामल डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट मीडियाज के अंदर डिफरेंट तरीके से शो होगा, सीडी में और तरह शो होगा, डीवीडी में और तरह, वीडियो और एचटीएमएल में और तरह शो होगा। यू ओनली हैव टू चेंज द एग्जामल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू चेंज द ऑल द रेस्ट, कि जब हमने एग्जामल को डॉक्यूमेंट को चेंज करना होता है तो वो सारे के सारे ऑर्डर को भी चेंज कर देते हैं। XML document can be modelized, parts can be reused. Modelized का मतलब होता है modularity, मतलब उसको parts में divide कर देना, मतलब एक large code है 5 या 10 pages का code है तो उसको छोटे छोटे parts के अंदर divide कर देना, क्या कहलाता है, modularity कहलाता है।
और उन पार्ट्स को हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैथमेटिकल काम चल रहा है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप एडिशन वाला कोड आपको दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी चाहिए, तो आप उसका वो जो पार्ट है उसको वहाँ से उठा कर दूसरे के अंदर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं उनको रीयूज भी किया जा सकता है, ताकि आपको दोबारा कोड ना लिखना पड़े, वही आप लोग जो लिखा हुआ है उसी कोड को उठाएं और उसको दोबारा यूज कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सएमएल मेटा लैंग्वेज। एक्सएमएल को मेटा लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेटा लैंग्वेज? कि ये हम एक डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेज को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक टैग्स नहीं होते जिसको हम लोग यूज करेंगे, इसके अपने टैग्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। तो ये क्या खुद अपने जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करती है और इसको अदर लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। विच कैन यूज टू क्रिएट योर ओन मार्कअप लैंग्वेज। देर आर सीवरल एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज मेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं एग्जाम्पल को यूज करते हुए। तो ये क्या है, ऑल लैंग्वेजेस हैव अ सम कॉमन एग्जाम्पल रूल्स। अगली स्लाइड में हम लोग एग्जाम्पल के रूल्स पढ़ेंगे, तो वो रूल्स तो होंगे ही, लेकिन एग्जाम्पल को यूज किया जाता है अदर लैंग्वेजेस को बनाने के लिए। जिस तरह अदर लैंग्वेजेस क्या हो सकती हैं, एक्स एच टी एम एल ओ एग्जाम्पल, ओपन डॉक्यूमेंट RSS जो हमने पीछे भी ये पढ़ा है, SVG SOP एंड इस तरह की जो SMIL, ये सारी की सारी लैंग्वेज है जो कि एग्जाम्पल से बनती हैं। बेसिकली एग्जाम्पल क्या होती है, ये खुद भी SGML से निकली होती है। SGML से फर्दर दो बनी थी, XML और HTML। SGML क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले SGML आई थी, उसके बाद XML और HTML आई। आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। HTML टैग्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग एंड ब्राउजर नो व्हाट इट इज। XML क्या होते हैं, इसके फिक्स टैग होते हैं। जिस तरह हमने HTML के लेक्चर के अंदर देखा था कि P टैग है वो पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, H1 है वो फर्स्ट हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, H2 है वो सेकेंड हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब हर एक को डिस्क्राइब करने के लिए उसका एक स्पेशल टैग है, फिक्स्ड टैग है, जिसको यूज करेंगे तो देन आपके जो HTML टैग्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो ब्राउजर हर टैग का मीनिंग समझ रहा होता है कि कौन सा टैग किस चीज के लिए यूज किया जाता है। XML टैग्स आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन एंड यूजर नो व्हाट दे मीन। XML टैग क्या होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट बना लिए जाते हैं। यूजर को पता होता है कि एक्चुअली ये टैग किस लिए है। जिस तरह मैंने आपको बताया नेम टैग है, तो नेम आपने लिखना है तो उसके लिए नेम टैग बना लोगे, एड्रेस लिखना है तो उसके लिए एड्रेस टैग बना लोगे, ईमेल लिखनी है तो उसके लिए ईमेल टैग बना लोगे। तो उसका यूजर को आइडिया है कि एक्चुअली वो टैग क्या है, लेकिन वो डिफरेंट यूज किए जाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। HTML टैग्स आर यूज फॉर डिस्प्ले। HTML टैग्स को ब्राउजर के ऊपर किस तरह डिस्प्ले करवाना है उसके लिए यूज किया जाता है, और XML टैग को डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका क्विक कंपैरिजन कंपैरिजन आ जाता है HTML का और XML का। टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड रिजिड। इसके अंदर जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उन्हीं टैग्स की मजीद जो खसूसियत होती है, जो डिस्क्राइब कर रही होती है उसी टैग को, वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो वो प्री डिफाइंड होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। इसमें क्या होता है, अलाउ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट ईच टैग एंड एट्रीब्यूट मीन। ये यूजर स्पेसिफाई करता है कि हर टैग और एट्रीब्यूट के एक्चुअली मतलब क्या है, इसमें कोई भी फिक्स्ड नहीं होते। कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग कैन बी प्लेस टूगेदर। आप उसको कंटेंट को और उसकी फॉर्मेटिंग को इकट्ठा डिस्क्राइब कर सकते हो, कि आपने एक्चुअली जो कंटेंट डिस्प्ले कराना है, जो टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, और जो उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज लगानी है, लाइक CSS कह लें, जिस तरह उसका कलर चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, तो वह आप उसके साथ उसको एक ही जगह पे इकट्ठा प्लेस कर सकते हैं।
जिस तरह ये देखें पी टैग है, पी टैग किस लिए यूज किए जाते हैं, पैराग्राफ के लिए। ये एक्चुअली इसका स्टार्टिंग टैग है। इसमें फाउंट एरियल क्या है, ये उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब आप देखें ये फॉर्मेटिंग भी हो रही है और ये कंटेंट भी साथ ही डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक्चुअली आपका कंटेंट है जो आपने डिस्प्ले करवाना है, माई टेक्स्ट। कुछ भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके अंदर बड़ा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। देन ये इसका जो टैग है वो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कंटेंट और फॉर्मेटिंग इकट्ठी हो रही है। इसमें एग्जाम्पल में क्या होता है, कंटेंट और फॉर्मेट आर सेपरेट, इसमें इकट्ठी नहीं होती, सेपरेट हो रही होती है। लाइक एक सेपरेट स्टाइल शीट के अंदर उसको उसकी जो स्टाइलिंग है वो परफॉर्म की जाती है। डिजाइन टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट दस मोर इफेक्टिव फॉर मशीन ह्यूमन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो उसका स्ट्रक्चर है उसको प्रेजेंट करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को हम लोग HTML को यूज करते हैं। तो ये मशीन और ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि लाइक अगर आपने जो अपनी बात है वो उसको मशीन को समझानी है तो आप क्या करोगे, HTML का कोड लिखोगे तो वही चीज़ आपकी जो है आपके ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगी। डिजाइन टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें हम लोगों ने एक्चुअली खुद सारा कुछ डिफाइन करना होता है, तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए या बनाने के लिए यूज की जाती है। दस मोर इफेक्टिव फॉर मशीन टू मशीन इंटरेक्शन, इसमें मशीन से मशीन के इंटरेक्शन के लिए ये इफेक्टिव समझी जाती है। सिंटैक्स इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड, इसका जो सिंटैक्स है वो स्ट्रिक्टली डिफाइंड होता है। सिंटैक्स क्या होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। टैग्स की बात नहीं हो रही, उसका सिंटैक्स की बात हो रही है कि एक्चुअली आपने किस तरह उन टैग्स को लिखना है, आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किस तरह करना है, तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिफाइंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट की जिस तरह हमने HTML के लेक्चर के अंदर इसकी एग्जाम्पल को परफॉर्म करके भी देखा था, तो उसी तरह की एक छोटी सी एग्जाम्पल है ये। सबसे पहले क्या है हमारे पास, HTML का टैग है, ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है, क्लियर। अब उसके अंदर एक हेड टैग यूज किया जा रहा है, ये हेड टैग उसका ओपनिंग टैग है और ये हेड टैग उसका क्लोजिंग टैग है। हेड के अंदर एक और टैग यूज किया जा रहा है, टाइटल टैग ओपनिंग और ये इसका क्लोजिंग, ये एक्चुअली इसका जो टाइटल का नेम है एग्जाम्पल। उसके बाद बॉडी यूज की जाती है, बॉडी क्या है, जिसके अंदर मेन एक्चुअली आपने कंटेंट डिस्क्राइब करना होता है। तो ये बॉडी का ओपनिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग। अब बॉडी के अंदर आपने एक्चुअली अपना कंटेंट लिखा हुआ है, हेडिंग वन में क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेज। हेडिंग टू में लिखा हुआ है सम इंफॉर्मेशन गोज हियर। अब आपकी जो एक्चुअली इस कोड को अगर आप लिखो सेव करो और उसको ब्राउजर के ऊपर चलाओ तो उसके ऊपर टाइटल में तो एग्जांपल शो हो जाएगी, आपके जो वेब पेज के ऊपर वो क्या शो होगा, ये वाली चीज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेज एंड दूसरी लाइन सम इंफॉर्मेशन गोज हियर। तो ये दो लाइनें एक्चुअली आपका मेन कंटेंट है आपके HTML के डॉक्यूमेंट का, क्लियर। तो ये छोटी सी एग्जांपल है HTML डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास XML डॉक्यूमेंट की एग्जांपल। अब ये देखें यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपने वर्जन बताना है कि XML का आया आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि आपने इस रूल को फॉलो करके देन आपने जो अपना डॉक्यूमेंट है XML का उसको स्टार्ट करना। अब इसमें देखें एड्रेस का ओपनिंग टैग, स्टार्ट टैग और इसका ये क्लोजिंग टैग, इसका ये एंड टैग। अब इसके अंदर आपने एक्चुअली अपना एड्रेस डिफाइन किया होता है, एड्रेस सारे का सारा प्लेस किया होता है। एड्रेस में क्या सबसे पहले चीज आ रही है, नेम, उसका ईमेल, उसका फोन नंबर और उसकी बर्थडे। तो अब इसके लिए हर एक के लिए देखें टैग्स खुद डिफाइन किए हुए हैं। अब रीडर को पढ़ने से पता लग रहा है कि आया नेम टैग के अंदर क्या है, उसका नेम बताया हुआ है। ईमेल के अंदर क्या बताया हुआ है, उसकी ईमेल बताई हुई है। फोन के अंदर उसका फोन नंबर और बर्थ के अंदर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताई हुई है। तो हर टैग को उसके ओपनिंग टैग से स्टार्ट करना है, फिर उसका कंटेंट लिखना है, फिर उसका टैग है वो क्लोज कर देना है। तो टैग आपने खुद ही बनाने हैं सारे XML के अंदर, लेकिन टैग्स एक प्रॉपर नेम के साथ हों कि आया रीडर को पढ़ने वाले को समझ आ रही हो कि एक्चुअली उसके जो टैग्स है वो किस कंटेंट को डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर।
आगे आ जाता है एलिमेंट्स वर्सेस टैग्स वर्सेस एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एलिमेंट क्या होता है, ये पूरी की पूरी चीज होती है, पूरी की पूरा जो स्टार टैग से, कंटेंट से और एंड टैग से मिलके बनता है, इसको हम लोग कह देते हैं ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट है। स्टार टैग क्या होता है, ये इसका स्टार टैग, ये देखिए नेम। कंटेंट क्या है, जो एक्चुअली इसका जो टेक्स्ट है जो दरमियान में डिफाइन किया होता है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होना होता है, तो ये इसका कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल। देन इसका एंड टैग है एंगल ब्रैकेट्स फॉरवर्ड स्लैश नेम और देन उसको एंगल ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे, तो ये इसका एंड टैग है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, ये स्टार टैग है, ये एंड टैग है, और इस सारी चीजों को क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन एट्रीब्यूट क्या होता है, उसकी खसूसियत, उसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो स्टार टैग के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट को डिफाइन किया जाता है। अब आप यहाँ पे नेम की जगह पे बता सकते हो कि स्लाइड नंबर इज इक्वल टू 1। अब जो भी एट्रीब्यूट होता है उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो एट्रीब्यूट क्या है, उसकी एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफाइन की जाती है, हमेशा स्टार टैग के अंदर डिफाइन की जाती है। तो ये हो गया एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की, ये पूरे का पूरा एक कोड है, वो लिखा हुआ है। आर्टिकल ये स्टार टैग है, ये आर्टिकल इसका एंड टैग है, ये ऑथर इसका स्टार टैग है, इसमें ऑथर का नाम होगा, ये ऑथर का एंड टैग है, ये अब्स्ट्रैक्ट है, इसी तरह ये इंडेक्स है। अब ये सारे के सारे टैग क्या है, फ्रीली डिफाइनेबल टैग्स हैं, इनको हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग भी इनके जो स्पेलिंग है वो बना सकते हैं आर्टिकल के। लेकिन हमेशा चीज वो करनी डिस्क्राइब करनी है जो इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो ये सारे के सारे टैग्स क्या है, इजीली डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इन टैग्स को, और इन टैग्स को हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। वही एग्जाम्पल है, इसमें क्या बता दिया है कि जो टेक्स्ट है ये में हमारे पास स्टार टैग है और एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश टैग ये इसका एंड टैग है। ये पूरे का पूरा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर स्टार टैग, एंड टैग, कंटेंट, उसका एट्रीब्यूट, ये सारी की सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एक एलिमेंट बनाती हैं। कंटेंट ऑफ एलिमेंट क्या है, एक्चुअली उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर कौन सी चीजें आप डिफाइन कर डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होनी है, वो उसका कंटेंट कहलाता है। तो बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है स्टार टैग पर, कंटेंट पर और एंड टैग पर, और मे बी एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अब ये देखें इसके अंदर सेक्शन के अंदर उसने बताया, दो उसने एट्रीब्यूट्स बताए हैं, नंबर इज इक्वल टू 1 एंड टाइटल इज इक्वल टू इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इसको एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज किया, तो इसमें दो एट्रीब्यूट्स बता दिए गए, दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शो किया गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सएमएल रूल्स आ जाते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने एक्चुअली अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको लिखना होता है। टैग्स आर इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स क्या थी, ये वाली दो, कि जो भी टैग आपने डिफाइन करना है उनको हमेशा आपने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना। टैग्स कम्स इन पेयर विद स्टार टैग एंड एंड टैग, हमेशा वो टैग्स पेयर में होने चाहिए, ये ना हो कि एक टैग आप डिफाइन कर रहे हो दूसरा टैग आप डिफाइन नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, नेम है ये स्टार टैग है और ये जो नेम है ये इसका एंड टैग, तो ये क्या है, पेयर में है, मतलब एक स्टार टैग होता है और एक एंड टैग होता है। टैग मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, टैग्स को प्रॉपरली नेस्टेड करना है एक दूसरे के अंदर, अगर आपने टैग्स यूज करने हैं तो वो प्रॉपर वे से हों, ओवरलैप ना कर रहे हों। देख जिस तरह देखें, ये स्टार टैग है, ये फिर उसके अंदर ही आपने ईमेल का टैग यूज किया, यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखोगे, फिर ये आ जाता है आपका नेम का क्लोज हो जाता है और उसके बाद ईमेल का क्लोज होता है, तो ये रॉन्ग है। क्यों, जिस चीज ने बाद में ओपन होना है उसने पहले क्लोज होना है, ये ईमेल यहाँ पे आना चाहिए था, ये नेम यहाँ पे आना चाहिए था, अगली लाइन ठीक है, ये देखें नेम, ईमेल, फिर ईमेल को क्लोज करना है और फिर देन
नेम को क्लोज करना, मतलब एक हायरार्की के साथ चलना है, प्रॉपर नेस्टेड वे से चीजों को डिफाइन करना है. टैग्स दैट डोंट हैव एंड टैग्स मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश. बी आर इज एन एचटीएमएल एग्जांपल. एक्सएमएल के अंदर इस तरह के टैग्स ऐसे यूज नहीं होते, हमेशा पेयर के अंदर टैग्स यूज होते हैं, लेकिन एचटीएमएल के एग्जांपल के अंदर हमने बी आर टैग ब्रेक टैग पढ़ा था, जो कि एक्चुअली उस लाइन को ब्रेक कर देता था. तो जो अगला कंटेंट होता था बी आर टैग के बाद, वो अगली लाइन पे शो होता था, मतलब लाइन ब्रेक हो जाती थी और बाकी कंटेंट वो नेक्स्ट लाइन पे शो होता था. तो उसके लिए हम लोग उसको टर्मिनेट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं. इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल के रूल्स आ जाते हैं. टैग्स आर केस सेंसिटिव. एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है, टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं, एचटीएमएल के अंदर ऐसा नहीं होता. केस सेंसिटिव मींस कि एड्रेस अगर छोटा लिखा हुआ है तो ये सेम नहीं है एज कंपेयर टू अगर एड्रेस का ए हम लोग बड़ा कर दें. मतलब इसमें जो चीज स्मॉल लिखनी है वो स्मॉल ही लिखनी है, जो चीज कैपिटल लिखनी है वो कैपिटल ही लिखनी है. HTML के अंदर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जहां मर्जी कैपिटल डाल देते थे, जहां मर्जी स्मॉल डाल देते थे, हमारी जो एरर है वो नहीं आता था. लेकिन XML के रूल के अंदर जो चीज केस सेंसिटिव है, अगर चीज को स्मॉल लेटर्स में शो करवाना है, उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही शो करवाना. XML इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस इज नॉट अलाउड एज अ पार्ट ऑफ टैग्स. टैग्स मे नॉट कंटेन लेस देन और एंड साइन. टैग्स फॉलो जावा नेमिंग कन्वेंशन. अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते केसेस के, और ना ही हम लोग इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं. मतलब एड्रेस के अंदर आप उसके अंदर ही ये वाला सिंबल दरमियान में यूज करो, ये वाला यूज करो, ये अलाउ नहीं है, इससे एरर आ जाएगा. जावा नेमिंग कन्वेंशन मीन कि जो जावा लैंग्वेज के लिए नेम डिस्क्राइब करने के लिए जो रूल्स बने हुए हैं वही इसके अंदर डिफाइन है, कि इसके अंदर हम लोग कोई भी कॉलन नहीं यूज कर सकते हैं या कोई भी दूसरे करेक्टर है वो अलाउ नहीं है. हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, दे मस्ट बिगन विद अ लेटर एंड मे नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस. और इसके अंदर कोई भी वाइट स्पेसेस भी नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप करो इस तरह करके डिफाइन कर दो माई एड्रेस, ये स्टार्ट टैग है, और यहाँ पे फिर इसको एंड टैग कर दो माई एड्रेस, तो ये रॉन्ग है. क्यों? इसके अंदर स्पेस आ रही है, स्पेस नहीं आनी चाहिए. जो भी टैग है उसको एक ही वर्ड के अंदर आपने डिफाइन करना है, या फिर आप इसको माइस का जो है साथ जोड़ दो, तो ये फिर क्या होगा, इसकी स्पेस खत्म हो जाएगी. डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अ सिंगल रूट टैग दैट बिगेन द डॉक्यूमेंट. रूट टैग क्या होता है, जिससे एक्चुअली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट हो रहा होता है. एचटीएमएल के अंदर क्या होता था, एचटीएमएल का हम लोग टैग यूज करते थे, ठीक है. तो एक प्रॉपर रूट टैग होना चाहिए जिसके अंदर से आपका जो कोडिंग है वो स्टार्ट होनी होती है. तो वो रूट टैग हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट के एंड पे आप उसको क्लोज करोगे. HTML एक्सपेंडेड एग्जांपल. एक और HTML की एग्जांपल आ गई है हमारे पास. इसमें भी क्या है, सबसे पहले आपने वर्जन डिफाइन करना है. अब आप यहां पर देख सकते हो कि रूट टैग इसका क्या है, XML वर्जन बताया हुआ है. उसके बाद एड्रेस टैग यूज किया जाता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड पे जाके एंड हो रहा है. इसके अंदर क्या किया हुआ है, एड्रेस के अंदर एड्रेस वैसे ही नाम दे दिया हुआ है. इसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें डिफाइन करनी है. नेम, नेम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आ रहा है. इसमें दो चीजें आ रही है, फर्स्ट और लास्ट नेम. फिर ईमेल आ रहा है, फिर फोन नंबर, फिर बर्थडे आ रही है. बर्थडे में भी तीन चीजें आ रही हैं, ईयर, मंथ और डे. तो आप लोग देख सकते हो, आप जब कोड लिखो तो कोड को लिखो ही ऐसे कि जब ये स्टार्ट टैग है इसी के ही स्ट्रेट लाइन में आपके जो टैग है वो क्लोज हो रहा हो, तो इससे इजी टू रीड होता है कोड. हम लोग इजीली इसको पढ़ के देख सकते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पे स्टार्ट टैग लिखा हुआ है और ये यहाँ पे एंड टैग लिखा हुआ है. नेम के अंदर दो चीजें यूज हुई हैं, उसका फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम. अब ये है वही है, लेकिन इसमें क्या बताया हुआ कि XML जो फाइल्स हैं वो एक्चुअली ट्री होती है. तो जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में दिया है, एड्रेस क्या था, रूट था, कि यहां से हमारा एक्चुअली जो कोड है वो स्टार्ट होना है. इसके अंदर क्या थी, नेम था, ईमेल थी, फोन नंबर था और बर्थडे थी. नेम के अंदर फर्दर चीजें आ रही हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. बर्थडे में भी तीन चीजें आ रही थी, ईयर, मंथ और डे. तो ये क्या है, XML फाइल क्या होती है, एक्चुअली ट्री होती है, कि एक हरारे की शक्ल बन रही है, ट्री की शेप बन रही है,
कि चीजों को एक रूट से, एक जड़ से स्टार्ट करना है, देन उसको फर्दर फर्दर डिवाइड करते जाना। तो जिनके भी आगे रूट होंगे उनको आगे डिफाइन कर देना, नेम के दो हैं नेम को डिफाइन कर देना, ईमेल का कोई नहीं है इसको डिफाइन नहीं किया, बर्थडे के तीन है तो इसको भी डिफाइन कर दिए। तो ये प्रॉपरली एक ट्री की शेप बन रही है। XML ट्री, एन XML ट्री हैज अ सिंगल रूट नोड। रूट नोड अब पीछे में क्या था, एड्रेस, जहां से एक्चुअली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट हो रहा था। दी ट्री इज जनरल ऑर्डर ट्री। ट्री में अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर ऑर्डर चल रहा होता है कि पहले एक रूट है, एक पेरेंट है, देन उसके आगे फर्दर चाइल्ड है, देन आपका जो ट्री है आगे आगे फर्दर ऑन मूव ऑन ओवर। पेरेंट नोड मे हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पेरेंट के क्या है, कितने ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। जिस तरह एड्रेस था तो एड्रेस के आगे काफी ज्यादा चिल्ड्रन से नेम, उसका ईमेल, उसका फोन नंबर, उसकी बर्थडे। चाइल्ड नोड आर ऑर्डर्ड एंड मे हैव सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कहते हैं उसके बहन भाइयों को, कि चाइल्ड नोड ऑर्डर्ड वे में डिस्क्राइब होने चाहिए और उसके मे भी एक से ज्यादा या ज्यादा सिबलिंग्स हो सकते हैं। प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल आर यूजली यूज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दी ट्री। ये ट्राइवर्सल्स की टाइप्स हैं, प्री ऑर्डर होती है, इन ऑर्डर होती है और पोस्ट ऑर्डर होती है। तो प्री ऑर्डर का मतलब होता है कि जो एक्चुअली उस ट्री से पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, एक्चुअली उस ट्री से बाहर होती है, तो उसकी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो वो उस ट्री से बाहर होगी, उस ट्री से रिलेटेड नहीं होगी। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो वो उस ट्री के बाद वाली इन्फॉर्मेशन होगी। वेल फॉर्मेटेड XML डॉक्यूमेंट। अ वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट मस्ट एडहेयर टू अमंग अदर्स द फॉलोइंग रूल्स। वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट तब अमल होगा उसके ऊपर जब इन सारे रूल्स के ऊपर अमल होगा। ये जो सारे यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं इनके ऊपर अमल होगा तो एक्चुअली जो आपका XML डॉक्यूमेंट है वो आपका वेल फॉर्मेटेड कहलाएगा। सबसे पहले इसका रूल क्या है, एवरी स्टार टैग हैज अ मैचिंग एंड टैग। हर स्टार टैग का एक मैचिंग एंड टैग होना जरूरी। एलिमेंट्स में नेस्ट बट मस्ट नॉट ओवरलैप। नेस्ट का मतलब है कि एक एलिमेंट के अंदर आप मजीद एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो लेकिन वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि जो टैग बाद में आप लोग स्टार्ट कर रहे हो उसको पहले आपने क्लोज करना है, देन आपने जो रूट टैग बनाया होगा उसको आपने क्लोज करना है। देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन रूट एलिमेंट, हमेशा एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए जिसको आप स्टार्ट पे डिफाइन करो और उसके बाद उसका एंड पे, डॉक्यूमेंट के एंड पे उसको क्लोज करो। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड। कोटेड मीन्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने एट्रीब्यूट की वैल्यूज को डिफाइन करना होता है, कि जो भी आप एट्रीब्यूट की वैल्यू टैग के अंदर डिफाइन कर रहे हो उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफाइन करें। एन एलिमेंट मे नॉट हैव टू एट्रीब्यूट विद द सेम नेम। एक एलिमेंट के अंदर दो ही एट्रीब्यूट हों और वो भी सेम नेम के, तो ये उस रूल के खिलाफ है। अगर आपने दो एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं तो दोनों के नेम हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। कमेंट्स एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन मे नॉट अपीयर इन साइड टैग। जो भी आप कमेंट्स ऐड कर रहे हो या उसकी कोई प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तो उसको टैग्स के अंदर डिफाइन नहीं करना, ठीक है। तो वो क्या है, रूल्स के खिलाफ है। नो एस्केप्ड एंगल साइन एंड साइन मे नॉट अकर इन साइड करेक्टर्स डाटा। करेक्टर डाटा के अंदर क्या होता है, एक्चुअली सिर्फ आप करेक्टर्स को डिफाइन करते हो, सिर्फ आप अल्फाबेट्स लिखते हो, कोई भी आप अदर साइंस को यूज नहीं कर सकते। तो ये अगर इन रूल्स को फॉलो किया जाए तो आपका जो डॉक्यूमेंट है XML का वो एक वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ओनली वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द XML पार्सर। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेल फॉर्मेटेड है, मतलब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो फिर ही उसको पार्सर प्रोसेस करेगा। पार्सर एक्चुअली क्या होता है कि एक आप इसको कह लें कि एक मशीन है या एक कन्वर्टर है, ट्रांसलेटर है, जो कि यूज किया जाता है XML के कोड को ट्रांसफर XML के कोड को चेंज करने के लिए, कि उसको मजीद जो है अच्छी फॉर्म के अंदर डिफाइन करना या उसको मोर रीडेबल फॉर्म के अंदर डिफाइन करना, ये किसका काम होता है, पार्सर का काम होता है। तो पार्सर तभी आपके XML डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा, उसको इजीली बगैर किसी एरर के प्रोसेस कर देगा, आपको आउटपुट
दे देगा, तब देगा जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेल फॉर्मेटेड होगा, मतलब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD, ये क्या है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्सएमएल लैंग्वेज प्रिसाइजली। इसको एक्सएमएल लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक्चुअली पार्सर की तरह ही काम करती है। यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। लीगल एलिमेंट्स को डिफाइन करती है कि जो उस डॉक्यूमेंट के लिए बिल्कुल सही होते हैं। यूज टू परफॉर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन अब क्या होती है कि आपका कोड आया वैलिडेट है कि नहीं है, आपका कोड बगैर एरर्स के है कि नहीं है। तो ये हम लोग DTT यूज करते हैं वैलिडेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए कि अगर कोई एरर है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम लोग उस एरर को खत्म करें और उसको वैलिडेट फॉर्म के अंदर लेके आ सकें। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल DTD और एक्सटर्नल DTD। दो इंटरनल में हमारे पास क्या होता है कि जो भी उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो विद इन XML फाइल डिक्लेयर होते हैं। HTML के अंदर भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर हमने उसके अंदर CSS ऐड करनी है, स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो अगर हम लोग HTML की फाइल के अंदर ही ऐड करेंगे तो वो इंटरनल कहलाएगी, और अगर हम लोग एक बाहर वाली फाइल के अंदर बना के उसके अंदर सारी की सारी स्टाइलिंग करेंगे तो वो एक्सटर्नल कहलाएगी। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप सारी की सारी जो कोड है वो एक बाहर वाली फाइल में रख देते हो, एक्सटर्नल फाइल में रख देते हो, और उसको एम्बेड करते हो, उसका लिंक दे देते हो अपनी फाइल के अंदर कि आया आपने इस फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक किया है तो उसका आपने एक छोटा सा लिंक दे देना है ताकि पता लग जाए कि ये फाइल एक एक्सटर्नल फाइल के साथ लिंक है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को ही मजीद एलिबरेट किया हुआ है। समटाइम XML इज टू फ्लेक्सीबल। फ्लेक्सीबल इसको इसलिए कहा जाता है कि हम लोग इसमें चेंजिंग ईजिली कर सकते हैं, कि ईजिली हम लोग अपने टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोग्राम्स कैन ओनली प्रोसेस अ सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल XML एप्लीकेशंस। मोस्टली जो प्रोग्राम्स हैं वो सबसेट्स होते हैं डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस का, मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन से ही फर्दर फर्दर एप्लीकेशन क्रिएट होती जाती हैं, डिजाइन होती जाती हैं, तो वो एक्चुअली जनरेट किसके थ्रू हुई होती हैं? XML के थ्रू ही हुई होती हैं। तो XML बेसिकली क्या होती है कि मजीद एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको, तो वो क्या फिर बन जाती है जब आगे ऐसे आगे एप्लीकेशन बनती जाती हैं तो वो सबसेट कहला देती हैं। फॉर एक्सचेंजिंग डाटा द फॉर्मेट एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स एंड देयर सेमेंटिक्स मस्ट बी फिक्स्ड। जब आपने डाटे को एक्सचेंज करना है तो जो उसका फॉर्मेट है, जो उसके एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स या उसके कुछ सेमेंटिक्स या रूल्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द वोकैबुलरी फॉर वन XML एप्लीकेशन इन सम सेंस कंपेरेबल टू स्कीम्स इन डेटाबेस। डेटाबेस की जो वोकैबुलरी है XML डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो जो है एस्टेब्लिश होनी चाहिए। अ डॉक्यूमेंट इज वैलिड विद रिस्पेक्ट टू अ DTD इफ इट कंफर्म द रूल स्पेसिफाइड इन दैट DTD। जो भी उस DTD में रूल्स डिफाइन होंगे, स्पेसिफाई होंगे, अगर उसके मुताबिक आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हुआ हुआ है तो देन उसको हम लोग वैलिडेट डॉक्यूमेंट कहेंगे। लास्ट वन है, मोस्ट XML पार्सर कैन बी कन्फिगर्ड टू वैलिडेट। कुछ हम लोग XML पार्सर्स भी यूज करते हैं जो कि वैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हम लोग जो ऑनलाइन वैलिडेटर भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन पार्सर भी यूज कर सकते हैं कि हम अपने कोड को अपने डॉक्यूमेंट से कॉपी करें और ऑनलाइन जाके किसी भी पार्सर के अंदर या किसी भी वैलिडेशन के अंदर उसको प्लेस करें तो देन हम लोग उसको वैलिडेट करवाएं। मतलब उससे हमें क्या पता लगेगा, हमारी मिस्टेक्स एरर्स पता लगेंगे कि हमारे कोड के अंदर कौन कौन सी एरर्स आ रहे हैं और कौन कौन सी हमारे पास वार्निंग्स हैं जिसको हम लोग ठीक करेंगे तो हमारे जो एरर जो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट देगा और वो वैलिडेट हो जाएगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।